रुक करते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय तीन महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं, जिसमें दिल्ली एनसीडी चुनाव में 15 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को करारी शिकस्त देनी पड़ी। बीजेपी की 15 साल की सत्ता आपने खींच ली, गुजरात में अगर सभी साथ मिलकर लड़ते तो काटे की टक्कर होती, वहीं हिमाचल में कांग्रेस जिस तरह से लड़ी है उसका अभिनंदन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी विपक्ष को एक साथ आना होगा, अगर एक साथ आते हैं तो परिवर्तन जरूर होगा। वहीं शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का अपमान हो रहा है और इसे क्या भड़काना बोलते हैं, उन्हें माफी मांगना चाहिए। देशामधील द्वेष मस्तर नष्ट करणे, मला वाटत नाही की राहुल गांधीचा यात्रे जो सीमा विवाद चल रहा है, कर्नाटक की तरफ से महाराष्ट्र पर हमले हो रहे हैं, उसके बारे में आप कठोर भूमिका लीजिए। ये कहना क्या भड़काना है, हड़काना है? मुझे लगता है बीजेपी का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र में सत्ता पर होकर भी महाराष्ट्र के साथ नहीं हो, शिवाजी महाराज के साथ नहीं हो, उसका मतलब क्या है? और हमारे जैसे लोग आप बोलते हो तो हमको आप धमकाते हो, जनता देखती है।